देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जलियांवाला बाग दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मेलन किया गया। कांग्रेस ने 75 साल तक लोकतंत्र कायम रखा तो सीएम अशोक गहलोत ने ये तमाम बातें कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है, आज भी कुछ लोग गुलामी की तरह रह रहे हैं, जाति को लेकर आज भी भेदभाव होता है। तो जलियांवाला बाग दिवस पर सीएम गहलोत ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तमाम बयान जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज भी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जाति धर्म के नाम पर सरकारें बन रही हैं, देश में छुआछूत खत्म होना चाहिए, बिना संविधान के देश कैसे चलेगा, लोकतंत्र कहां जा रहा है, ये कौन सोचेगा। तो ये तमाम बातें सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा में कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर में जलियांवाला बाग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में छुआछूत खत्म होना चाहिए, बिना संविधान के देश कैसे चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कहां जा रहा है, ये कौन सोचेगा। तो ये तमाम बड़ी बातें सीएम की ओर से कही गई हैं। सीएम ने कहा है कि आज भी धर्म को लेकर हमारे देश में राजनीति हो रही है, जाति धर्म के नाम पर सरकारें बन रही हैं, देश में छुआछूत खत्म होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जो यहां सीएम अशोक गहलोत ने संबोधन किया है। और इसी के साथ